जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधीर गुप्ता और आप सभी लोगों का स्वागत है टैप टू क्रैक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग वीकली न्यूज एनालिसिस के साथ पिछले 15 दिनों में जो हम लोगों का करंट अफेयर्स छूटा है उन सब को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है। सभी लोगों का स्वागत है, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था, इस वजह से 2-4 मिनट हम लोगों का क्लास लेट हो गया। गिल, चैतराम, गोलू, भानु, सभी लोगों का स्वागत है। जितने लोग भी लाइव दिख रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, सारे के सारे जितने भी छूटे हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई चीज छूटा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कवर कराऊं। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? एक तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है और एक है वर्ल्ड मैरिटाइम डे। ठीक है, नेशनल मैरिटाइम डे और वर्ल्ड मैरिटाइम डे, आपको बताना है कि नेशनल मैरिटाइम डे कब मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि वर्ल्ड मैरिटाइम डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मैरिटाइम डे। ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ में। ठीक है, एक तो आपके सामने है, दूसरा मैं पूछ रहा हूं, वर्ल्ड मैरिटाइम डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मैरिटाइम डे कब मनाया जाता है, दो क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं आपको तब तक नेशनल वाले का बताऊं, तब तक मैं आपको वर्ल्ड वाले का बता देता हूं। देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड मैरिटाइम डे है, आपको पता होना चाहिए इस साल, देखो ये हर साल बदलते रहता है, सितंबर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है ना, लास्ट जो थर्सडे होता है सितंबर महीने का, ठीक है, उसको हम लोग वर्ल्ड मैरिटाइम डे के तौर पे मनाते हैं, वही वर्ल्ड मैरिटाइम डे होता है। और इस बार वो डेट कौन सा पड़ रहा है, इस बार पड़ रहा है 26 सितंबर 26 सितंबर 2024 को हम लोग क्या मनाएंगे, 26 सितंबर 2024 को हम लोग वर्ल्ड मैरिटाइम डे मनाएंगे। अच्छा, अब देखो जो ये नेशनल मैरिटाइम डे है, ये वर्ल्ड हो गया, अब नेशनल मैरिटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे मनाया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग उधर से बोल पड़ोगे, है ना, कभी कभी आप लोग, मुझे लगता है कि उधर से आप बोल पड़ोगे, तो मैं इंतजार करता रहता हूँ आप लोग बोलोगे ना, भूल जाता हूँ, ऑफलाइन वाली फीलिंग है ना। चलो 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार का थीम क्या था, थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस बार का थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट इस बार का थीम था। अक्सर थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये जो नेशनल मैरिटाइम डे है, ये कब से सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया, ये आजादी के पहले से ही मनाया जाता है, ये आपका आजादी के पहले ही मनाया जाता है, ध्यान देना। ये आपका 1919 का एक्ट आप लोगों को पता होगा, ठीक है, 1919 से ही मनाया जाता है। एसएस लॉयल्टी नाम का एक जहाज था जिसको याद करके हम क्या करते हैं, जो है 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे मनाते हैं। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर रखना, एक तो वर्ल्ड मैरिटाइम डे है और दूसरा है नेशनल मैरिटाइम डे। वर्ल्ड मैरिटाइम डे 26 सितंबर को मनाते हैं, नेशनल मैरिटाइम डे 5 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, ये बदलते रहता है, लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर मनाया जाता है, और इस बार कब पड़ने वाला, 26 सितंबर को पड़ने वाला है, इतनी बात आपको पता है तो आपका डेट वाइज ये वाला क्वेश्चन हो गया डन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर बार क्वेश्चन शुरू करने से पहले उस डेट का, उस दिन का कोई जो इंपॉर्टेंट डेट हो उसको हम लोग डिस्कस करें। चलिए, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, बढ़िया। चलिए अभी हम उसको देखो, मैं चाह रहा था कि मैं रिवाइज करवाऊं, बट अभी मैं थोड़े अपने आपको लिमिट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हमें सारे के सारे रिवाइज करने हैं, आज लंबी क्लास चलने वाली है। वर्ल्ड डोपिंग जो रोधी एजेंसी है, वाडा जिसको बोलते हैं, कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में रजिस्टर किए गए हैं। वाडा, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था पाथ टू पेरिस या रोड टू पेरिस, एक मैंने बताया था, ये इनिशिएटिव किसने शुरू किया, पाथ टू पेरिस। पेरिस का मतलब क्या है, पेरिस में ओलंपिक होने वाला है 2024 का, तो इसी के चलते पाथ टू पेरिस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, नाडा के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, नाडा के द्वारा।
अब ध्यान दो, यहां पे पूछा गया है वाडा के बारे में। वाडा के द्वारा बताया गया है, भी वाडा के द्वारा रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में कौन सा देश सबसे टॉप है? सूरज बोल रहे हैं रसिया, ठीक है ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं, वाडा के रिपोर्ट के अनुसार, अब सबसे पहले तो वाडा जान लो, वाडा जान लो, तो यहां पे वाडा के बारे में लिख देता हूं, वाडा वाडा यहां पे वाडा। बताओ वाडा कब बनी थी मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार वाडा ने इतने सारे लोगों को मतलब शिकंजा कसा है कि क्या बताऊं। वाडा नाडा दोनों इंपॉर्टेंट है। वाडा कब बनी थी? तो ध्यान देना, वाडा कब बनी थी? 1999 में बनी थी। 1999 में वाडा बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल। कहाँ पे है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में, ठीक है। मॉन्ट्रियल सब लोगों को पता है, मॉन्ट्रियल, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल आपका पता है कनाडा में, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करें इसके वर्तमान समय में हेड की बात करें, इसके हेड कौन है, तो याद रखना एक नाम है विटोल्ड, विटोल्ड बांका, विटोल्ड बांका नाम है, बांके भाई। बांके भाई वाडा के क्या है इस टाइम? वाडा के हेड है, हेडक्वार्टर कनाडा में है। कब बना? 1999 में बना, ध्यान देना, ठीक है। अभी डोपिंग वाडा के हिसाब से 2022 में दुनिया के सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में मिले हैं? तो वो देश है अपना प्यारा भारत। भारत में सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले मिले हैं, ध्यान देना, भारत में सबसे ज्यादा बोटिंग के डोपिंग के मामले में। मॉन्ट्रियल बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा था उससे निपटने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स हमने पढ़ाए हैं इन्वायरमेंट के अलग अलग, जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लेकर जो है जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स थे हमने सारे कवर किए हैं। अच्छा अगर मैं पूछूं इस वाडा के हिसाब से जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में अगर मैं पूछूं कि पहले नंबर पे तो भारत आ गया, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे ऐसा कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले मिले? तो दूसरे नंबर पे है, वो है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले मिले। तीसरा कंट्री कौन सा है? तो तीसरा कंट्री है कजाखस्तान, ठीक है ठीक है ठीक है। कजाकिस्तान तीसरा कंट्री है। तो ये पहला कंट्री भारत सबसे ज्यादा डोपिंग, उसके बाद साउथ अफ्रीका, और तीसरा कंट्री है कजाकिस्तान जहां सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले मिले, ठीक है। वाडा के बारे में जानना, पेरिस ओलंपिक हो रहा है, पेरिस ओलंपिक में एकमात्र वेट लिफ्टर, पेरिस ओलंपिक 2024 में एकमात्र वेट लिफ्टर जाने वाली है भारत से, उनका नाम क्या है? तो उसका उनका नाम है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मीराबाई चानू एकमात्र वेट लिफ्टर, मीराबाई चानू ही जाने वाली है। अभी परेशान मत हो, इस पर एक क्वेश्चन भी है, डिस्कस करेंगे, ठीक है ठीक है। चलो बिल्कुल, नाडा भारत में देखता है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी दो तीन लोगों को बैन किया गया है, एक लोग को 12 साल के लिए, एक लोग को 8 साल के लिए। नाडा के द्वारा डोपिंग के मामले में एक लोग को 12 साल के लिए, एक को 8 साल के लिए बैन किया गया है। बताइए उन दोनों लोगों का नाम। चलो 4 अप्रैल 2024 को विच ब्रांच ऑफ इंडियन मिलिट्री इंडक्टेड आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम 4 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना की किस शाखा में आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? क्वेश्चन ये है कि आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है क्या? आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ध्यान दो, ये एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस, हवा में देश को बचाएंगे, एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। और अभी इसको किसने प्रिपेयर किया है? आकाश तीर को बनाया किसने है? ध्यान देना, आकाश तीर को किसने बनाया है? भेल ने बनाया है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल ने बनाया है आकाश तीर को। ये बह रहा है आज, कहाँ कहाँ जा रहा है को भाई, तुम इधर सही हो जाओ। ठीक है, तो भेल सब लोगों को पता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसने अभी, किस ब्रांच को ये मिलने वाला है, तो क्या नौसेना को, क्या वायुसेना को, क्या आर्मी को, क्या कोस्ट गार्ड को, किसको मिलने वाला है? देखो यहां पे बहुत सारे लोग गलती कर दिए, ठीक है, यहाँ कई सारे लोगों ने गलती कर दिया। देखो एयरफोर्स नहीं होगा, ध्यान देना, ये इंडियन आर्मी को सौंपा गया है, इंडियन आर्मी को सौंपा गया है आपका आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम।
आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इंडियन आर्मी ने 2024 को किस साल के तौर पे डिक्लेयर किया है, 2024 को इंडियन आर्मी ने किस साल के तौर पे डिक्लेयर किया है, तो ध्यान देना, ईयर फॉर टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल ईयर फॉर टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्वेशन, एब्जॉर्पेशन के तौर पे। भैया हम इस साल क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करेंगे, और इसी के चलते हमने क्या किया है, हमने आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अपनाया है, भेल के सहयोग से इसको बनाया गया है, एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। इतनी बात हो गई, डन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्तमान समय में इंडियन आर्मी के, आप बताना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जो है इनका नाम क्या है, जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, क्या नाम है, मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे, मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे इनका नाम है। बस इतनी बात अगर आपको याद रह गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। विवेक राम चौधरी एयर के हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो ये हैं आपके जनरल मनोज पांडे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित आंतरिक विभागीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। अभी इस पर्सनालिटीज में से किसी एक को, देखो बहुत जबरदस्त तरीके से वन खराब हो रहे हैं, कट रहे हैं दिल्ली में, इस वजह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि एक समिति बनाई गई है। अब ध्यान दो, मैं आपको जितने भी, जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे था 2021 वाला, उसकी जितनी भी बातें मैं आपको यहीं पर रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, एनसीआर है, वहां पे वनों की सुरक्षा से संबंधित एक कमेटी बनाई गई है, इसके हेड कौन है, तो ध्यान देना, न्यायमूर्ति नजमी वजीरी, न्यायमूर्ति नजमी वजीरी, ठीक है, ठीक है, चलो नजमी वजीरी, ठीक है, ओके, तेज सिंह वेलकम। चलो तो याद रखना, नजमी वजीरी क्या है, नजमी वजीरी अभी रिसेंटली चुने गए हैं क्या, यहाँ के एनसीआर के फॉरेस्ट को बचाने के लिए। अच्छा अब मुझे आप बताइए कि भारत का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, चलो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है, 2021 इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की बात कर लेते हैं, यही लेटेस्ट आया हुआ है, इससे पहले 2019 में आया हुआ था। मुझे बताइए कि भारत का टोटल टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर, टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है, तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो कितना है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो 24.62%, ठीक है, 24 दशमलव, पूरा जितना भारत है उसका लगभग 25%, 24.62% जो है टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर है, मतलब कहीं पेड़ लगा है तो कहीं पे जंगल है। अगर मैं बात करूं कि टोटल जो है, टोटल एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें, एरिया वाइज कितना एक्सपेंशन हुआ है 2019 की तुलना में 2021 में, तो अगर बात करें हम फॉरेस्ट कवर की, तो फॉरेस्ट कवर में 1540 स्क्वायर किलोमीटर, 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया बढ़े हैं, और अगर बात करूं तो कितना जो है ट्री कवर कितना बढ़ा है, तो ट्री कवर बढ़ा है 721 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये बात हो गई। यानी कि अगर हम लोग बात करें 2019 की तुलना में 2021 में टोटल कितना वृद्धि हुआ, तो दोनों जोड़ दो, 721 और 1540 कितना हो जाएगा, 2261, 2261 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, 2261 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई है 2024 में, ठीक है, ठीक है, चलो ये बात हो गई। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप स्टेट कौन है जहां पे फॉरेस्ट कवर लगातार बढ़ रहा है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं कि कहां पर सबसे ज्यादा है, मैं कह रहा हूं कि फॉरेस्ट कवर जो ये 2021 का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के हिसाब से फॉरेस्ट कवर कहां पे बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कवर किन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है किस स्टेट में, तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है 2021 के हिसाब से, तो सबसे पहला स्टेट यहाँ पे ध्यान दो, पहला स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरे स्टेट पे आता है तेलंगाना, ठीक है,
तेलंगाना, आंध्रा का भाई तेलंगाना, और उसके बाद बात करें तीसरे नंबर पर तो आएगा उड़ीसा। ये तीन स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा ये फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। अगर अमाउंट वाइज जाए तो आंध्र प्रदेश में लगभग 647 स्क्वायर किलोमीटर जो है वृद्धि हुआ है। अगर मैं बात करूं टॉप एरिया वाइज की सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे है, एरिया वाइज अगर हम लोग बात जाएं तो सबसे ज्यादा कहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। एमपी की बात कर लेते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश एक नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन आएगा ध्यान देना, वो है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये हो गया एरिया वाइज। अगर बात करें परसेंटेज वाइज अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मिजोरम में। कहाँ पे पाए जाते हैं, मिजोरम में, कहाँ पे, मिजोरम में, मिजोरम में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे। यहाँ पे लगभग 84.53% पाया जाता है, ध्यान देना। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका मेघालय, मेघालय छोटे स्टेट है ना, परसेंटेज वाइज इनका बढ़ गया, ठीक है। तो मेघालय, तो परसेंटेज वाइज एरिया वाइज मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया। कैसे कैसे नाम लिख के रखते हो तुम लोग है? ठीक है, चलो क्या क्या कोई ऐसा ऐसा प्रोनंसिएट करो तो पता लगे कि, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। चलो चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी ये नाटो बहुत चर्चा में है, नाटो बहुत चर्चा में है, इसका सिंपल सा रीजन है, नाटो अभी 75 साल पूरे हो गए, इसके बने हुए 75 साल पूरे हो गए, ठीक है। चलो नाटो के बारे में, नाटो की स्थापना कब हुई थी, चलो बताओ फटाफट बताओ, बताओ नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो, नाटो को फुल फॉर्म ध्यान देना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी आपसे पूछा गया है, ध्यान देना शुरुआत में इसमें यूएस था, उसके बाद कनाडा था, ठीक है, कनाडा था, और उसके अलावा यूरोपियन जो नेशंस है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे नेशंस थे वो इसके फाउंडिंग मेंबर थे। अभी नाटो दो तीन वजहों से चर्चा में, नाटो का 32वां मेंबर कौन बना है, नाटो का 32वां मेंबर, तो 32nd मेंबर नाटो का कौन बना है अभी रिसेंटली, तो वो देश बताओ मुझे जो नाटो का अभी 32वां मेंबर बना है, तो वो है आपका स्वीडन। और अगर आपसे बात करें नाटो का 31वां मेंबर कौन बना है, तो अभी 31वां मेंबर कौन बना था, 31st मेंबर कौन बना था, ध्यान देना वो था आपका फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है। सबसे खुश देश कौन है, सबसे खुश देश कौन है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जवाब बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 4 अप्रैल वॉशिंगटन डीसी है, 4 अप्रैल 1949 वॉशिंगटन डीसी में। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात कर रहे हो तो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर नहीं है मेरे भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नाटो का हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स कहाँ पे है मेरे भाई, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ध्यान देना इतनी बात। तो अभी कितने साल हो गए नाटो के, 75 साल पूरे हो गए, 75 जो है एनिवर्सरी हम लोग इसका मना रहे हैं, इसलिए ये चर्चा में है। ध्यान देना कब बना था ये, 1949 में बना था, 1949 में, जो सूरज ने बताया 4 अप्रैल एकदम सही है, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलो ठीक है, फिनलैंड खुशहाली में भारत 126 नंबर रैंक पे, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई नाटो के बारे में, ठीक है, और नाटो के बारे में ये चीज याद रखना कि स्वीडन अभी 32वां मेंबर बना है, 31वां फिनलैंड बना है, ये जो चीजें आपको रिवाइज करवाने में बहुत मदद करेंगी, और ठीक है चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कोर 2.0? देखो आज मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक एक चीज के बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, सिंपल सा रीजन है, अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा क्योंकि 60 से ज्यादा प्रश्न है आज, ठीक है, और हमें उनको बहुत मतलब वीकली वाइज भी करना है, और पिछले कुछ करंट अफेयर्स छूटे भी थे तो उनको भी कवर करना है, तो हम थोड़ा सा मॉडरेट वे में जा रहे हैं, जैसे हम डेली डिटेल में बहुत डिस्कस करते हैं वैसे नहीं कर रहे, ठीक है। चलो व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कोर 2.0?
2.0 का स्कोर का क्या क्या मतलब है? ठीक है, स्टेनली बर्ग नाटो के हेड हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कोर 2.0? स्कोर 2.0 का क्या मकसद है? ठीक है, चलो तो देखो, अभी रिसेंटली आपकी एक इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका नाम है सेबी, सेबी के द्वारा इसको जारी किया गया, सेबी के द्वारा इसको जारी किया गया। अब मैंने आपको बता दिया सेबी के द्वारा जारी किया गया, अब बताओ इसका मकसद क्या है। एक्चुअली जब तक आप मुझे इसका मकसद बताओगे तब तक मैं थोड़ा सा सेबी के बारे में बता दूंगा। सेबी इस टाइम बहुत चर्चा में है क्योंकि अभी रिसेंटली सेबी ने एक बहुत शानदार लेजर सिस्टम डेवलप किया है, अभी हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर अभी जो है सेबी ने विकसित किया है। सबसे पहले सेबी के बारे में जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए सेबी कब बना था, कोई बता सकता है एग्जैक्ट डेट? बताना सेबी का एग्जैक्ट डेट। आपको पता होना चाहिए सेबी कब बना था, 12 अप्रैल को बना था। 12 अप्रैल सन 1992 में सेबी का फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि सेबी एक सेबी एक्ट आया था, सेबी एक्ट आया था, सेबी एक्ट के द्वारा 1992 में इसको एक स्टेचुरी बॉडी का दर्जा दिया गया, वैधानिक बॉडी का दर्जा दिया गया। ठीक है, अच्छा अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सेबी की पहली महिला हेड बनी है, एकमात्र महिला जो सेबी की हेड बनी है उनका नाम बताना है आपको। पहली महिला हेड, सेबी की पहली महिला हेड कौन बनी है, सेबी की पहली महिला हेड कौन बनी है? ठीक है चलो, सेबी की पहली महिला हेड की अगर हम लोग बात करें तो सेबी की पहली महिला हेड इनका नाम है माधवी 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 पुरी भुज माधवी पुरी भुज माधवी पुरी भुज सेबी की पहली महिला जो है हेड बनी है, ध्यान देना। ठीक है चलो, माधवी मैम, या ऐसे मत याद, मतलब माधवी पुरी भुज ऐसे मत, माधवी मैम याद कर लिया करो, माधवी मैम करके याद कर लिया करो। ठीक है, अगर बात करें सेबी के हेडक्वार्टर की तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ, ये तो क्वेश्चन तुम लोगों के लिए फ्री है। चलो बताओ सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अच्छा अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपसे कहा, कि स्कोर 2.0 की चर्चा करेंगे और सेबी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए उसकी चर्चा करेंगे। चलो सेबी के स्कोर 2.0 का क्या उद्देश्य है? सेबी का जो 2.0 है इसका निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना, स्कोर 2.0 का मकसद है। स्कोर का मतलब होता है, देखो यहां पे स्कोर मैं लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है, स्कोर का फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो सेबी सेबी कंप्लेन कंप्लेन सेबी कंप्लेन रेड्रेस सिस्टम। ठीक है, स्कोर का पूरा नाम है, स्कोर का पूरा नाम है सेबी कंप्लेन रेड्रेस सिस्टम 2.0, मतलब सेबी के द्वारा कंप्लेन सुने जाने वाला एक, शिकायत सुने जाने वाला एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्कोर 2.0। ठीक है, अभी 1 अप्रैल 2024 से इसको लागू कर दिया गया। ध्यान देना सेबी ने यही इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं किया, कुछ दिन पहले सेबी इस वजह से भी चर्चा में था क्योंकि उन्होंने एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर स्टार्ट किया था, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जिसको बोलते हैं LEI सिस्टम। आपसे पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर किसके द्वारा शुरू किया गया, LEI सिस्टम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा कि LEI सिस्टम अभी हाल फिलहाल में किसने स्टार्ट किया, तो ध्यान देना सेबी ने स्टार्ट किया, सेबी ने स्टार्ट किया। मकसद क्या है, मकसद जो भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, जो जितने भी नॉन कन्वर्ट सिक्योरिटीज बॉन्ड पढ़ा होगा ना आपने, कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सरकार सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है, वो वाला नहीं जो सुरक्षा वाला सिक्योरिटी ने कागज का टुकड़ा जिसमें कुछ बात लिखी होती, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। ठीक है, तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के बारे में जानकारी के लिए LEI सिस्टम डेवलप किया गया, किसके द्वारा जो है, ये है आपका, यह है सेबी के द्वारा। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे बढ़े। अगला, अभी रिसेंटली एक चीज और रह गई थी इसमें, एक चीज और, अभी रिसेंटली
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, बीएससी के अभी रिसेंटली जो है हेड किसको बनाया गया, जिसका जिसकी अनुमति सेबी ने दी। इसकी अनुमति किसने दी? अनुमति अभी अनुमति सेबी देता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड कौन बनाए जाएंगे, इसकी अनुमति कौन देता है? अनुमति सेबी देता है। तो अभी किसको सेबी ने अनुमति दी कि उनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेड बना दिया जाए, वो व्यक्ति कौन है? तो उस पर्सनालिटी का नाम बताना है आपको। तो वो पर्सनालिटी कौन है, ध्यान देना, नाम है प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल को अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेड बनाया गया, प्रमोद अग्रवाल। बात पता थी इतनी? ठीक है, चलो हो गई बात, चलें आगे बढ़े। क्या है मंजन, क्या है? गुड मॉर्निंग प्रशांत। ठीक है, तो इतनी बात रिवाइज करके रखना, ठीक है, इतनी बात सेबी के बारे में। ठीक है, स्कोर 2.0 किसने शुरू किया? सेबी ने शुरू किया। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर किसने शुरू किया? सेबी ने शुरू किया। ठीक है, और इसके अलावा सेबी के बारे में जितनी बातें हो सकती थी हमने करी, माधवीपुरी भुज के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, एलईआई सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नि पी। चलो मुझे बताओ अग्नि पी के बारे में। अग्नि पी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो बताओ अग्नि पी के बारे में मुझे बताइए। अग्नि पी, देखो अभी रिसेंटली क्या है कि अग्नि पी का परीक्षण हुआ। अग्नि पी जो है ये अग्नि मिसाइल्स का छठवां मिसाइल है। ठीक, अग्नि जो क्लास है ना, अग्नि मिसाइल्स क्लास का, उसका छठवां मिसाइल है अग्नि पी। पी का मतलब होता है प्राइम, पी का मतलब होता है प्राइम। ठीक है, तो पी मतलब प्राइम। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग अग्नि मिसाइल्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और इसके अलावा इस वाली मिसाइल के बारे में चर्चा करेंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको अग्नि पी के बारे में बता दूं, तो ये टू स्टेज मिसाइल है, टू स्टेज मिसाइल है, टू स्टेज मिसाइल है। ये एक प्रकार की सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करती है, ये एक सॉलिड सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है। तीसरी बात आपको अग्नि पी के बारे में पता होना चाहिए, ये सरफेस टू सरफेस वॉर करती है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस। ठीक है, ये एक चीज। ठीक है, इसको ट्रक पे लेके जाया जा सकता है और ये न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि ये नाभिकीय न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड को क्या कर सकती है, ये ले जा सकती है। अग्नि पी की बात करें तो ये आपकी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये एक प्रकार की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कई बारी आपको दिखाई देगा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, कई बारी आपको एमआरबीएम का मतलब होता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी इसको जानते हैं, इंटरमीडिएट रेंज या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से भी इसको जानते हैं, एमआरबीएम के नाम से या आईआरबीएम के नाम से भी इसको जानते हैं। कमाल की बात यह है कि ये जो है, इसकी क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो इसकी क्षमता है लगभग 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। इसी के कारण इसको माना जाता है कि ये जो अग्नि पी है, ये अग्नि वन की क्षमता कितनी है, 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूरी जा सकता है, और अग्नि टू 2000। तो अग्नि वन और अग्नि टू को ये रिप्लेस कर देगा, अग्नि वन और अग्नि टू को क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम, अग्नि टू। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया कि ये जो है सिक्स्थ मिसाइल है अग्नि सीरीज का। अग्नि सीरीज का कौन सा मिसाइल है? सिक्स्थ मिसाइल है, सिक्स्थ मिसाइल है, सिक्स्थ मिसाइल है अग्नि सीरीज का, अग्नि सीरीज का। ठीक है, अगर मैं बात करूं अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि अग्नि 1 2 3 4 5 हमने चारों चर्चा की थी। फाइव का क्या मतलब था मैंने आपसे बताया था, तो आपको पता है कि अग्नि फाइव का मतलब 5000 किलोमीटर, फोर का मतलब 4000 किलोमीटर, थ्री का मतलब 3000 किलोमीटर, टू का मतलब 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, और वन का मतलब 700 किलोमीटर होता है, ये मैंने आपको बताया था। आपको पता है कि ये जो अग्नि का कॉन्सेप्ट है किसके दिमाग का उपज था, तो अग्नि का जो कॉन्सेप्ट था वो एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग का उपज था। ठीक है, ठीक है, अभी हाल ही में अग्नि फाइव का परीक्षण हुआ था, मैंने बताया था अग्नि फाइव 2012 से उसका परीक्षण हो रहा है।
ठीक है, अब उसमें नए नए टेक्नोलॉजीज लगाए। अब क्या हुआ है कि अग्नि 5 जो आया है, अब वाला अग्नि 5 वो मल्टीपल टारगेट को सिंगल मिसाइल से हिट कर सकता है, हमने अभी कुछ दिन पहले चर्चा की थी। ठीक है चलो, एनडीए वाले क्लास के लिए पूछ रहे हैं प्रशांत, एनडीए की क्लास कब होती है सर प्लीज आप? एनडीए क्लास मंथली वाइज करंट अफेयर्स होता है प्रशांत, मंथली करंट अफेयर्स जाता है उसके लिए, ठीक है, और 14 तारीख को है, 17 तारीख को है, 18 तारीख को है, 6-6 घंटे की मैराथन है, एनडीए सीडीएस चैनल पे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आप वहाँ से देख पाओगे। बाकी डेली करंट अफेयर्स एसएससी और स्टेट चैनल पे चलती है, आप कहीं पे भी आके देख सकते हैं। ठीक है चलो चलो, इतनी बात हो गई आपकी अग्नि 5 के बारे में। अच्छा अब मैं थोड़ा सा, अगर आपसे चर्चा करने का मन है तो आपको बताना है, थोड़ी सी बात आपको बतानी है कि पृथ्वी 2, जो पृथ्वी 2 था उसकी कैपेसिटी कितनी थी, पृथ्वी 2 कितनी दूरी तक जा सकता था, पृथ्वी 2, इसके अलावा अग्नि सेकंड की हमने चर्चा कर ली, ठीक है, पृथ्वी 2 की कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है पृथ्वी 2 की, तो पृथ्वी 2 आपको पता है 350 किलोमीटर जा सकता था, तो इसको भी ये रिप्लेस कर देगा आपका अग्नि प्राइम। ठीक है, बस अग्नि प्राइम के बारे में इतना ही, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना की स्थापना किस वर्ष की गई? चलो, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र, जवाब दो तुम लोग फटाफट, पता नहीं क्या कर रहे हो, फटाफट जवाब दो। चलो बताइए, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि, पानी भी नहीं देखेगा, अरे भैया पानी दे दो, हेलो पानी पानी, चलो एनडीए की क्लास 14 तारीख को है, बता दिया मैंने, 14 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख को क्लास चलेगी आपके एनडीए सीडीएस चैनल पे। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना की स्थापना कब की गई? ध्यान दो, ये बहुत डिस्प्यूटेड स्कीम है, और अभी वहां की जो हाई कोर्ट है उन्होंने डिसीजन दिया है कि जो ये स्कीम है, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना जो है, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान जो योजना है, ये योजना एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है जो इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी, तुम लोग मजे लेने पीछे नहीं हटते हो ना, है ना, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। या वो खाली था बॉटल तो क्या करते हैं, हम प्यास लगती है, वो स्टोन पेन हो गया ना हमें, तो अब वो बार बार पानी पीना पड़ता है। मैं सुबह 4:30 बजे से जगा हूँ और मैं तकरीबन 2.5 लीटर पानी पी चुका हूँ सुबह से, सो और कुछ खाना पीना भी नहीं होता, मतलब दवाइयाँ ऐसी हैं कि आपको खानी पी खाली पेट खानी होती है, तो दवाई खाओगे उसके 2 घंटे तक आप कुछ नहीं खाओगे, सुबह 4:30 उठोगे, 6:30 आप ऑफिस आ जाओगे, क्लास होएगी, है ना, तो उसके बाद फिर तब उसके बाद भी हमको लगातार पानी ही पीना होता है, तो इस चक्कर में बड़ा दिक्कत होता है। बाबू एनडीए के लिए बहुत परेशान है प्रशांत पांडे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी वहां पे मंथली, वहां पे डेली करंट अफेयर्स नहीं चलती है, टाइमिंग आप अभी टाइमिंग शेड्यूल्ड नहीं है, टाइमिंग में आपको 6 घंटे की मैराथन है, शायद सुबह 8 बजे से चलेगी, 8 से 2 चलेगी, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो प्रशांत परेशान मत हो, करंट अफेयर्स की क्लासेस अगर वहां नहीं दिख रही तो यहां पे देखो, पहली बात। दूसरी चीज, अगर दिक्कत आ रही, देखो वहां पे मैं 6-6 घंटे की मैराथन ले रहा हूँ, तो वो आपको पूरा चीजें आपको कवर कराई जाएंगी, क्योंकि सब सारे चैनल्स पे चलाना उचित बात भी नहीं होता है, तो आप समझ लो कि यहाँ पे स्टेट चैनल पे, एसएससी चैनल पे चल रही हैं चीजें। चलो आओ, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना, आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये किस लिए लाई गई। पहली बात तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई, क्वेश्चन ये है कि क्यों लाई गई, आप मुझे बताओ कि आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने कब लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल कब लगाया था, डेट बताओ फटाफट,
चलो, इस दौरान जिन लोगों को जेल में भेजा गया था, जिन लोगों को जेल में भेजा गया था, लोगों को जेल में भेजा गया था, उनको उनको पैसा दिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है इस लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के अंतर्गत। अच्छा, आपको पता है कितने तारीख को लगा था? 5 जून, 5 जून 1975 से लेकर 21 मार्च, 21 मार्च 1977, ठीक है, 5 जून 1975 से लेकर, थोड़ा सही लिख दो, नहीं तुम लोग कहोगे कि सर काची लिख के चले जाते हो तुम, ठीक है। 25 जून, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977, ठीक है, इस दौरान लगा था, सब लोगों को पता है, बहुत बढ़िया, रात 11 बजे टाइम भी बता दिया, बहुत सुंदर यार, मजा आ जाता है, ठीक है। चलो अतुल, ठीक है, तो ये इस तारीख को स्टार्ट हुआ। अब इन लोगों को पैसा, जो लोग जो फंसे हुए थे, जिन लोगों को जेल में भेजा गया था, उनको पैसा दिया जाता है इसके अंतर्गत। कुछ दिन पहले इसको रोक दिया गया, तो अभी हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, पैसा दो, पैसा दो, ठीक है, चलो पैसा दो। तो अभी ये 2019 में स्टार्ट हुआ था और 2021 में ये एक्ट बना दिया गया था भाई, 2021 में ये एक्ट बना दिया गया था, 2019 में ये जो है योजना लाई गई थी, राशि योजना, और उसके बाद 2021 में एक्ट बना दिया गया था, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट खूब चर्चा में है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट की जनरली हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई स्कीम बहुत ज्यादा चर्चा में हो जाए तो उसकी हम चर्चा करते हैं, और लोकतंत्र प्रहरी उसमें एक स्कीम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 मत भूलना, ठीक है, चलो आगे बढ़े। प्रशांत कह रहे हैं मैं अभी 10वीं में हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, 10वीं में है, आप पढ़ते रहिए, यहां पे पढ़ते रहिए, एटलीस्ट करंट अफेयर्स डेली पढ़िए। आप 10वीं में हैं, आप 12वीं में हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप जो ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट भी कर चुके हैं या उससे भी ज्यादा कुछ कर चुके हैं, उनसे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर आपको आगे निकलना है तो आप ये तरीका अपनाइए, डेली करंट अफेयर्स में आइए और जबरदस्त तरीके से चीजों को रिवाइज कीजिए। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? मिस्र, मिस्र की कैपिटल बताओ, मिस्र की कैपिटल, राजधानी, मिस्र की कैपिटल, तो राजधानी की बात करूं तो अभी आपको पता है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, जानबूझ के बता रहा हूं, क्योंकि मिस्र की राजधानी कायरो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन अब उसकी राजधानी चेंज होने की कगार में है, ठीक है, ध्यान देना। अभी रिसेंटली इस पे चर्चा चल रही कि मिस्र अपनी राजधानी चेंज कर ले, ठीक है, मिस्र अपनी राजधानी चेंज कर ले। फिलहाल जो वर्तमान में है, मैं आपको लिख देता हूं, कायरो वर्तमान समय में मिस्र की राजधानी है, लेकिन अभी मिस्र अपनी राजधानी बदलने की कोशिश कर रहा है। चलो, ठीक है, चलो अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें कि मिस्र के अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग बटापट से जवाब तो वैसे ही दे दो, बटापट है ना, आसान है। कुछ चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस्र के बारे में, जब तक आप दो जवाब, ठीक है, जब तक आप दो जवाब, वो कौन सी रिवर है जो मिस्र को, मिस्र में बहती है पहली बात, और उस रिवर को किसने किस नाम से कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, बहुत नाम सुना होगा आपने, हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस का नाम आपने सुना होगा। हेरोडोटस कहते हैं कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट, इजिप्ट यानी कि मिस्र, ठीक है, इजिप्ट जो है, इजिप्ट द गिफ्ट ऑफ नाइल है, गिफ्ट ऑफ, गिफ्ट ऑफ, गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर, नाइल रिवर, नील नदी कहते हो ना, नील नदी, तो नील नदी की उपहार क्या है, वो है इजिप्ट, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, ये कौन कहता है, हेरोडोटस कहता है, ठीक है, हेरोडोटस कहता है। और अगर हम लोग बात करें तो अभी वर्तमान समय में मिस्र के बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है आपका स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल किसके हिस्से में है, स्वेज कैनाल जो है उस पर किसका कंट्रोल है, स्वेज कैनाल पर किसका कंट्रोल है, तो वो कैनाल पर किसका कंट्रोल है, वो इजिप्ट का कंट्रोल है, ठीक है, इजिप्ट का कंट्रोल है। और बताओ इजिप्ट किन दो सागरों से मिलता है, तो आपको पता है कि इजिप्ट मेडिटेरेनियन से भी मिलता है, मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर से भी मिलता है, और रेड सी से भी मिलता है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी दोनों सी से क्या मिलता है आपका, इजिप्ट मिलता है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए।
इजिप्ट की करेंसी की बात करें तो इजिप्टियन पाउंड है, इजिप्टियन पाउंड है जो कि इजिप्ट में चलता है। और अभी रिसेंटली अब्देल फतेह अल सीसी को क्या चुना गया है, यहाँ के राष्ट्रपति के तौर पे तीसरी बार चुने जाने वाले हैं फतेह अल सीसी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई? अभी रिसेंटली जो कडाई कुनाल जो आपका सौर वेधशाला है, इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आपको पता होना चाहिए कि कडाई कुनाल कहाँ पर अवस्थित है। कडाई कुनाल बताओ कहाँ पर अवस्थित है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, लद्दाख में बन रहे सौर वेधशाला की। तो अभी रिसेंटली एक संस्था है, अभी चर्चा करेंगे, उस संस्था ने एक जगह है लद्दाख में जहां पर सौर वेधशाला ओपन करने की कोशिश करी है। मतलब अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है, तो अभी रिसेंटली कहां पर ओपन होगा सौर वेधशाला, सौर वेधशाला कहां पर ओपन होगा, सौर वेधशाला ध्यान दो, ये आपका लद्दाख में होगा। लद्दाख में एक नया सौर वेधशाला ओपन करने की डिमांड हुई है। ठीक है, इसको कौन बनाएगा? तो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बनाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये सौर वेधशाला बना रहा है। जब से आदित्य एलवन गया है तब से सौर वेधशाला से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है ये वाली। आपको पता होना चाहिए कोडाई कुनाल जो सौर वेधशाला है, भारत पिछले काफी समय से इसको बना के रखा है। ये कहां पर अवस्थित है? ये आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। कड़ाई कोनाल कहां पे है? तमिलनाडु में है। बहुत बढ़िया, भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तमिलनाडु, कोडाई कोनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ बनाई गई, कहां पर अवस्थित है? तमिलनाडु में। अच्छा, किसने इस वेधशाला को कौन मैनेज करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के चेयरमैन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें तो ए एस किरण कुमार वर्तमान समय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के क्या है? हेड है। ठीक है, गलती से लगा दोगे इसरो उसरो तो गलत हो जाएगा। ठीक है सर, कडाईकुनाल तमिलनाडु होगा, हाँ बिल्कुल तमिलनाडु है, मैंने लिखा, देखो कडाईकुनाल तमिलनाडु है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना। चल, ये कोडाई कोनाल कब बना था मेरे भाई? तो ध्यान देना, ये 1 अप्रैल को बना था, 1 अप्रैल 1971, 1971 में, 1 अप्रैल 1971 को कोडाई कोनाल जो सौर वेधशाला इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, इतनी बात अगर आपको याद रह जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्या रानी देवी के बारे में पूछा गया है। पूछा गया है कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 में, अच्छा जवाब तो वैसे ही आपका आ गया इसमें, ठीक है माफ कीजिए, रेसलिंग नहीं, वेट लिफ्टिंग अच्छा ऐसे, विद्या रानी देवी ने IWF वर्ल्ड कप 2024 में किस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, यानी वो किस स्पोर्ट में है? क्वेश्चन ये है किस स्पोर्ट में है, बताए। एक बारी सेशन शेयर कर दीजिए भैया, आप लोग सेशन शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, आपको पता है कि विद्या रानी देवी बहुत फेमस हैं, और इस टाइम विद्या रानी देवी जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, कहां पे हो रही है भाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? चलो पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये जो लिखा हुआ है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा, फेडरेशन के द्वारा, जस्ट अ सेकेंड,
इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड कप आयोजित करा, विश्व कप 2024 आयोजित किया, कहाँ पे किया गया? तो ये वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित किया गया, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित किया गया, वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित किया गया, ध्यान देना कहाँ पर, तो ये अभी रिसेंटली थाईलैंड में किया गया, थाईलैंड में किया गया, थाईलैंड में, ठीक है। तो थाईलैंड में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया 2024 का, ठीक है। अब इस वर्ल्ड कप में एकमात्र महिला जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, किसमें? भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। उनका नाम है विद्या रानी देवी। विद्या रानी देवी को क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, यही विद्या रानी देवी हैं जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो हुआ था उसमें सिल्वर मेडल मिला था। यही विद्या रानी देवी हैं जिनको जो कॉमनवेल्थ हुआ था, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ में क्या मिला था? कॉमनवेल्थ में इनको क्या मिला था? कॉमनवेल्थ में इनको, ठीक है, इनको कॉमनवेल्थ में मिला था सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल। तो अभी क्या मिला है 2024 में? ब्रॉन्ज मिला है, और इससे पहले क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था। वेट लिफ्टिंग का काम और कौन करता है? वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं मीराबाई चानू। तो एकमात्र, जो मैंने आपसे कहा था ना कि एकमात्र जो प्लेयर है जिनका नाम है मीराबाई चानू, मीरा बाई चानू, तो मीराबाई चानू एकमात्र, एकमात्र प्लेयर है, यहां पे लिख देता हूं मैं साफ साफ, एकमात्र, एकमात्र भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर हैं जो पेरिस ओलंपिक में जाएंगे, जो पेरिस ओलंपिक में जाएंगे, जो पेरिस ओलंपिक में भागीदारी करेंगे। मीराबाई चानू एकमात्र जो है प्लेयर हैं जो कि पेरिस ओलंपिक में भागीदारी करेंगी, एक बात। अच्छा, ध्यान दो कि मीराबाई चानू, ये जो आपका इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें बहुत बुरा प्रदर्शन था इनका, लगभग 12वें पोजीशन पे थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये इनका परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छा रहा है, इस वजह से जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है 2024 का उसमें ये जाएंगी ना कि ये जाएंगी, तो विद्या देवी रानी नहीं जाएंगी, याद रखना। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप क्या हो गया, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की अगर हम लोग बात करें, तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। अगर बात करें इसके हेड की, या इसके चेयरमैन की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, तो मोहम्मद हसन नाम है, मोहम्मद हसन जुलॉर्ड करके है, मोहम्मद हसन याद रखो काम बन जाएगा। तो इसके हेडक्वार्टर कहां? स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड कौन है? मोहम्मद हसन है, इतनी बात आपको याद रखनी है। कब बना था ये? 1905 में बना था, ठीक है। तो बस इतनी बात आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, बाकी अगर कोई इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा होगी तो मैं आपको अपडेट करता ही रहता हूँ, डेली हम लोग डिस्कस करते हैं इन सब चीजों पे, ठीक है। चलो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंशिका रौनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज जापी? जापी, जापी क्या है? अभी रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है असम के, असम के कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, इस वजह से ये जापी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है ये जापी क्या है। चलिए जापी मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि असम के कुछ प्रोडक्ट हैं, असम के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग 1999 के जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। ध्यान देना, असम के कुछ प्रोडक्ट हैं, मैं यहाँ पे लिस्टिंग कर देता हूँ, खासकर बोडो समुदाय के प्रोडक्ट, खासकर बोडो समुदाय के प्रोडक्ट, जिसमें असम बीहू ढोल, बीहू ढोल, इसके अलावा अगर बात करें तो असम जापी, जापी जिसकी चर्चा करने वाले हैं, इसके अलावा एक एक धातु शिल्प है जिसका नाम है सारथेर बरी, सारथेर बरी मेटल क्राफ्ट धातु शिल्प बोलते हैं इसको, मेटल क्राफ्ट धातु शिल्प, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा एक है एक मिसिंग हैंडलूम है, मैं अभी आपको लिस्ट दे दूंगा,
मिसिंग हैंडलूम, इसको जीआई टैग दिया गया। जापी इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। जापी क्या है? बांस और बेत से बनी एक पारंपरिक टोपी है। बांस और बेत से बनी हुई एक पारंपरिक टोपी है जिसका नाम है जापी, ठीक है। इसको भी जीआई टैग दिया गया। इस बार उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम के बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। ये चार प्रोडक्ट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, ये लिस्ट है, ठीक है, जो हमने चर्चा करी, मिसिंग टाट, ठीक है, इन सब। तो ये आपके सामने है, आप चाहो तो आराम से रोक के वीडियो देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक बारी मैं हट जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लो, ठीक है। चलो, एक चीज जो कॉमन पैटर्न है, ध्यान देना, इसमें बोडो समुदाय जो है, बोडो समुदाय, उनके ढेर सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। ऐसे पूछ ले कि किस समुदाय के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, तो बोडो समुदाय के जीआई टैग प्रोडक्ट को ज्यादा जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन, डिजिटा के बारे में बताओ। डिजिटा को अभी किसने लॉन्च किया है या कौन स्थापना करने वाला है डिजिटा की, बताइए। डिजिटा, डिजिटा की स्थापना कौन करने वाला है, फटाफट जवाब दीजिए। जयदीप, सॉरी लेट नहीं हो गया, बहुत लेट हो गया, क्लास खत्म होने के कगार पे आ गई, ठीक है। अब आज थोड़ा लंबा खींचेंगे हम, क्योंकि वीकली है, हमें क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, बट एज यूजुअल जब नहीं, टाइम नहीं हुआ है, आज मैं थोड़ा लंबा चलूंगा, आज वीकली है तो लंबा हम लोग खींचेंगे क्लास, ठीक है, बताइए। डिजिटा, हु इज सेटिंग द डिजिटा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, फटाफट जवाब दीजिए। किरण भास्कर, चलिए, डिजिटा। देखो, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान दो, डिजिटा फुल फॉर्म से स्पष्ट है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट, यानी कि डिजिटली, डिजिटल इंडिया को मेंटेन करने के लिए कोई ऐसी चीज होगी जो डिजिटल इंडिया से कनेक्टेड होगी, ठीक है, ऐसी कोई चीज होगी जिसको अभी किसने लॉन्च किया है। तो ध्यान दो, डिजिटा एक प्रकार से सेंट्रल हब है वेरिफिकेशन के लिए, एक प्रकार से वेरिफिकेशन के लिए है, ठीक है। जो ये लोन वोन लेते हो ना, नावी, क्रेडबी, इन सब लोगों से जो लोन लेते हो, उनकी लीगैलिटी को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। डिजिटा, डिजिटा का मेजर मकसद क्या है? डिजिटा का मेजर मकसद है कि जो भी लोन ऐप है, जो लोन ऐप है, लोन ऐप है, लोन ऐप को क्या करना है, इनके इथिकल ऑपरेशन, इथिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन को सुनिश्चित करना है, और जो भी रेगुलेशंस हैं उसको बताना है। तो अब जब लोन की बात आ जाएगी तो तुरंत कहां पहुंचोगे? जब भी लोन की बात आ जाएगी तो तुरंत आप आरबीआई के पास पहुंचोगे। लोन लेना, लोन देना, उसको रेगुलेट करने का काम सेबी का नहीं है, ना कि गवर्नमेंट की किसी संस्था का है, ठीक है। हाँ, कन्फ्यूजन एनपीसीआई से हो सकता था, लेकिन ये एक संस्था है जो कि ऐप बनाती है, सर्विस प्रोवाइडर संस्था है एनपीसीआई। इसका किसी भी प्रकार से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का किसी, जैसे यूपीआई किसने बनाया, तो यूपीआई एनपीसीआई ने बनाया, आप यूपीआई करते हो, यूपीआई इसने बनाया, लेकिन ये बनाती है, ये कुछ डील नहीं करती है, ध्यान देना। आरबीआई ने अभी डिजिटा बनाया है, ठीक है, आरबीआई ने डिजिटा बनाया। डिजिटा का फुल फॉर्म डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है, कि डिजिटल इंडिया, आप डिजिटली लोन लेते हो तो उस पर ट्रस्ट मेंटेन करो, चलो, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन ये है कि जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश, किस अफ्रीकी देश से हैं, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इनको उस पर्टिकुलर देश का, उस पर्टिकुलर देश का अभी
रिसेंटली प्रेसिडेंट चुना गया है, ठीक है, माफ कीजिए, प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, पीएम, तो उस देश की फर्स्ट फीमेल पीएम, फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है, उस देश की फर्स्ट पीएम फीमेल पीएम कौन बनी है, तुलुका बनी है, तुलुका। वो कौन सा देश है जिसकी फर्स्ट फीमेल पीएम तुलुका बनी है, नाम बताना है आपको, तो वो देश है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अपने आप में ही एक अजूबा देश, जिस देश में पहली वाली नदी इक्वेटर को दो बार काटती है, बताओ वो कौन सा है। चलो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब अगर एक क्वेश्चन, तो ये पीएम तो बन गई, पीएम ये तुलुका महोदया बन गई, तुलुका, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति बड़े फेमस हैं भाई, इनका नाम है, अगर प्रेसिडेंट की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, प्रेसिडेंट की बात करें, अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें इस देश के, तो उनका नाम आपको होना पता होना चाहिए, फेलिक्स महोदय है, फेलिक्स, फेलिक्स तसाकेदी करके उनका नाम है, मैं फेलिक्स से याद करता हूं, ठीक है। फेलिक्स, फेलिक्स महोदय यहां के राष्ट्रपति हैं। वो देश कौन सा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी। अगर बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, डीआरसी की बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेकेंड लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सेकेंड सबसे बड़ा कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट देश है, अफ्रीकन देश है, सेकेंड लार्जेस्ट अफ्रीकन देश है, ठीक है, ठीक है। कौन पहला कौन है, तो फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है आपका अल्जीरिया, ठीक है, फर्स्ट। अगर बात करें कि ये जो है, यहां पर एक रिवर बहती है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, अच्छा पहले इसकी तो कैपिटल जान लो, कैपिटल इसकी क्या होगी, कि कैपिटल बताओ, चलो कैपिटल बताते रहो तब तक मैं आपसे जो है कौन सी रिवर बहती है, तो यहां पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है कांगो, कांगो नदी किस देश में बहती है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो की खास बात क्या है कि ये रिवर इक्वेटर को, इक्वेटर को दो बार काटती है, ठीक है, या क्रॉस करती है, दो बार इक्वेटर को क्रॉस करने वाली रिवर कौन है, कांगो है। कैपिटल की बात करें तो याद रखना किनशासा है, कैपिटल क्या है, किनशासा है, मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो, कोई जवाब नहीं दिया, कांगो नदी, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग फटाफट, जितने लोग भी लाइव हो सब फटाफट जवाब देते रहो। हाँ चलो, अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024, इंटरनेशनल डे ऑफ, इंटरनेशनल माफ कीजिए, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024, ये इसका थीम आपको बताना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं। What is the theme of International Day for Action for Rebus 2024? ध्यान देना, ये इसका है Water for All, Water for All। आपको पता होना चाहिए International Day for Action of Action for Rebus 2024। इसके अगर थीम की बात करें, अगर इसके थीम की बात करें, तो थीम की बात करें तो Water for All है। किस डेट में मनाया जाता है, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो डेट है आपका 14 मार्च, 14 मार्च को मनाया जाता है, बस इतनी बात, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, किस मिनिस्ट्री से संबंधित है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, बताइए। 17 क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। तब तक मैं आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम के बारे में बता देता हूं, अगर बात करें इस स्कीम की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम के अंतर्गत जो दो पहिया गाड़ी होती है, दो पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ी, दो पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ी,
इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसको 10,000 रुपये का छूट, और जो तीन पहिया गाड़ी होती है उसको 25,000 की छूट, ठीक है, 25,000 की छूट इसके अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है। यह स्कीम कब स्टार्ट हुई? 2024 में स्टार्ट हुई, ठीक है। कार्तिक, ये नंबर है, इस पे मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, चलो। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो आपको पता होना चाहिए किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। तो अभी जो हैवी उद्योग मंत्रालय, हैवी इंडस्ट्रीज वाला मंत्रालय, इसके द्वारा स्टार्ट की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत इटली सैम सहयोग समूह की बैठक 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? इटली, भारत और इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक की 12वां संस्करण कहां पे किया गया? ध्यान दो, 12वां संस्करण कहां पे किया गया। तो अभी लगातार हम इटली के साथ क्या कर रहे हैं, इटली के साथ क्या कर रहे हैं, इटली के साथ हम लोग लगातार सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में हमने अभी नई दिल्ली में इटली के साथ सैन्य सहयोग जो है के लिए एक बैठक करी है। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती शब्द, पीबी शब्द हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? पीबी शब्द हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? पीबी शब्द हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? पीबी शब्द। अब ये सब क्वेश्चन गलत कर देने वाले क्वेश्चन है कि आप लोग गलती मार दोगे, इतने बढ़िया ऑप्शंस है ना कि गलत कर दोगे इसको। पीबी शब्द, पीबी शब्द का मतलब होता है, देखो, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड डिसमिनेशन, ठीक है। अब याद रखना कि पीबी शब्द का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, एक तो पीबी शब्द का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो पीबी शब्द अगर मैं लिख देता रिसेंटली लॉन्च किया गया किसके द्वारा, ऐसे भी कर सकते थे, पीबी शब्द रिसेंटली लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ऐसे भी कर सकते थे, वो गलत हो जाता, ठीक है, वो भी आप गलत कर देते। तो याद रखना कि अभी पूरा पहले फुल फॉर्म याद रखो, पीबी शब्द का फुल फॉर्म क्या है, और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, माफ कीजिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बताओ, थोड़ा सा टाइम देंगे इसमें हम, जरा एक मिनट का ब्रेक, ठीक है, एक मिनट का ब्रेक लेंगे फिर वापस आएंगे, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेंगे, ठीक है, तब फिर वापस आएंगे, तब तक इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
ठीक है। जवाब देते रहिए आप लोग फटाफट, ठीक है। हाल ही में किन देश तीन देशों ने नौसेना किन देशों की नौसेना ने ओमान की खाड़ी के पास संयुक्त अभ्यास शुरू किया? वो तीन देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले बढ़िया जवाब आ गए, मुझे दिखा जवाब, ठीक है। गुंजन ने जवाब दिया चाइना, ईरान और रसिया। चाइना, ईरान और रसिया ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम आपको याद रखना है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024। ये एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई अभी ओमान की खाड़ी के पास, जहां पे तीन देशों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इसमें डिस्कशन किया, ठीक है, जो भी अपना अभ्यास किया। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? बताइए। पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किसने किया है? तो कहां पर किया? मैं फटाफट राउंड में अब आ गया हूं, ठीक है। अब फटाफट राउंड में हम आ गए हैं कि बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं चीजों को, ठीक है। फटाफट राउंड में आ गए हैं, तो याद रखना कि अभी अरुणाचल प्रदेश में कहां पर पाम ऑयल प्रोसेस कहां स्टार्ट किया गया है, तो ध्यान देना यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको अभी रिसेंटली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का पहला पाम ऑयल, तो यह पहला है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने पाम ऑयल मिशन कब स्टार्ट किया था, पाम ऑयल मिशन कब स्टार्ट किया था? तो याद रखना ये जो मिशन पाम ऑयल है, ये स्टार्ट हुआ था सन 2021 में, और उसके अंतर्गत अभी पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का पहला उद्घाटन कहां पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इस मिशन का एम कब तक है? 2026 तक है। 2026 तक पाम ऑयल प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ाना है, इस मिशन का एम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है, बताइए। तो किसे चुना गया है नए चुनाव आयुक्त के तौर पे? चुनाव आयोग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुनाव आयोग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आर्टिकल 323 से लेकर 329 तक आपको एकदम कंठस्थ करके रखना है। आर्टिकल 326 किसकी बात करता है, बताओ कोई? आर्टिकल 326 किसकी बात करता है? आर्टिकल 326 किसकी बात करता है? याद रखना आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, ये बात कहता है। ध्यान दो, जो ये आर्टिकल 326 है ना, यही आप सभी लोगों को जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन सबको चुनाव में वोट देने का राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में, तो याद रखना ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सिंह को, ठीक है, संधू को, सुखवीर सिंह संधू को क्या किया गया है अभी रिसेंटली जो है नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट से है, वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है?
तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूएनडीपी जारी करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जारी करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंकिंग पूछी गई तो भारत की रैंकिंग है 134, 134 है भारत। ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे अच्छा कौन पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन पे कौन स्टेट है, आप बताओ, आपका होमवर्क। टॉप कौन पे है, जीरो से एक वैल्यूएशन ली जाती है, जो जीरो रहते हैं उनका बेकार होता है और जिनका एक होता है वो सबसे अच्छे, बहुत ह्यूमनी डेवलप स्टेट होते हैं ऐसा माना जाता है, इसमें जीरो से एक कंसिडरेशन किया जाता है। अगर बात करें हम इसमें किन चीजों पर असेसमेंट किया जाता है, तो असेसमेंट की बात करें तो तीन चीजें इसमें प्राइमरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एक तो है हेल्थ और दूसरा है आपका एडुकेशन और तीसरा है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है, नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है, नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है। नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है, ध्यान देना नोक्टिस को ज्वालामुखी, तो नोक्टिस ज्वालामुखी अभी मंगल ग्रह पर पाया गया है, ठीक है, मंगल ग्रह पर। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन गुंजन, होमवर्क है मतलब आपको कमेंट करना है कब, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब, ठीक है। चलो तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली मार्स पर एक नया जो है ज्वालामुखी पाया गया जिसका नाम है नोक्टिस। ठीक है, 450 किलोमीटर लंबा चौड़ा ज्वालामुखी, कोई मतलब है नहीं, ठीक है, याद रखना नोक्टिस चर्चा में था, नोक्टिस कहां पर है, मंगल ग्रह पर है, इतनी बात याद रखनी है, नोक्टिस कहां पर है, मंगल ग्रह पर है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। पूछा गया है कि ट्रैफिक और WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, जहां पर सार्क के अंगों का व्यापार होता है, सार्क के अंगों का व्यापार कहां पर होता है सबसे ज्यादा अवैध मात्रा में। ठीक है, देखो यहां सिंगापुर और हांगकांग मैंने लिखा है, इसका पीछे का मकसद जानते हो क्या है, सिंगापुर और हांगकांग ये दो देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा सार्क के अंगों की तस्करी होकर भेजी जाती है, एक्सपोर्ट होता है, यहां पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सार्क के अंगों का कहां होता है, सिंगापुर होता है, दूसरे नंबर पे हांगकांग। और भारत में सबसे ज्यादा सार्क के अंगों का अवैध व्यापार कहां पे होता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सार्क के अंगों का सबसे ज्यादा अवैध व्यापार होता है, तमिलनाडु में सार्क के अंगों का सबसे ज्यादा अवैध व्यापार होता है, हाँ, स्विट्जरलैंड, ठीक है। हालांकि मैंने वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था गुंजन, वो को होमवर्क, होमवर्क का मतलब होता है कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब कहाँ देना है, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कब देना है, जब आपका क्लास जो है खत्म हो जाए और कमेंट बचे तब आप वहां पे करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अटापका पक्षी अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटापका पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में अटापका पक्षी अभयारण्य अवस्थित है आपको बताना है, किस राज्य में अटापका पक्षी अभयारण्य अवस्थित है आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है कुल्लेरू लेक। कुल्लेरू लेक के पास ये अटापका अभयारण्य है। अब आपको पता है कि कुल्लेरू लेक कहाँ पे है भैया, आंध्र प्रदेश में। आपको पता है कि यहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स,
और माइग्रेटरी बर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है पेलिकन्स। पेलिकन्स ठीक है, ठीक है, पेलिकन्स माइग्रेटरी बर्ड्स में पेलिकन्स चलती हैं। पेलिकन्स सबसे इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि अटापाका पक्षी अभयारण्य में पाए जाते हैं। ये कहां पर अवस्थित है तो आप पता हो गया, आंध्र प्रदेश में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लो इस पर, स्टार मार्क लगा लो इस पर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया सैटरडे को सर जी और लोग सोकर आ रहे हैं, सो जागो। हमारा काम क्या है, हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे और तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपका एग्जाम निकल नहीं जाएगा। बाकी ना पढ़ने वाले को हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज थोड़ी ना है। अब अगर सामने होते तो हम सोने भी नहीं देते, चलो जगो उठो बताओ कर देते। तुम लोग वहां सोओगे बैठ के, हमें कैसे पता चले कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन मोबाइल ऑन करके छोड़ दिया। और 6 बजे जब होगा तब क्या करोगे, जब 6 बजे क्लास स्टार्ट होगी मंडे से, अब मंडे से अगला क्लास 6 बजे होगा ना। अब मंडे से क्लास 6 बजे हो रही है, ठीक है, तब देखते हैं कितने लोग सोते हैं, तब पता चलेगा जब तुम लगाओगे क्लास उठाओगे सुबह, तब तक क्लास खत्म हो गई होगी, है ना। लगभग 7:30 तक खींचेंगे क्लास, है ना, तब तक 7:30 तक खींचेंगे। हम सोच रहे हैं कि यार तुम लोगों की टाइमिंग बदल दे एकदम से। देखो मैं ना बहुत सोचा मैंने कि सुबह मतलब 8-6 बजे क्लास, कैसे होगा कैसे होगा, फिर मैंने सोचा चलो 3:30 बजे उठा जाएगा, 3:30 बजे उठूंगा। देखो मैं आपको बताऊं ना, आपको लगता होगा कि ये सर आए ऐसे बोल के चले गए, सर को याद होगा दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सूरज मैं एकदम बहुत मूड में हूँ जूम पर एक सेमिनार लेने के लिए। अच्छा एक काम करो तुम लोग, मैंने पहले भी कहा है, आप लोग मेरे इस नंबर पर 9654694500 ठीक है, इस पर मैसेज करो, मैं लिंक भेजूंगा और मैं कंपनी से कहूंगा कि ऑर्गेनाइज करें एक मीटिंग, ठीक है, ठीक है। मंडे से सुबह 7-6 बजे क्लास होगी। सर जी मैं 6 बजे नहीं कर पाऊंगी, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है 6 बजे नहीं कर पाने का, हम क्या बताएं, क्लासेस बहुत। देखो अब सुबह हो रही है, उठो जागो, और तब तक ना सो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मैं अगर सुबह 6 बजे पढ़ने, आपको पता है सुबह 6 बजे पढ़ाने के लिए कितने बजे उठना पड़ेगा मुझे, अगर मैं सुबह 6 बजे पढ़ाना है मुझे तो मुझे ऑफिस 5:30 बजे आना होगा, ठीक है, 5:30 बजे आना होगा। और अगर मैं 5:30 बजे ऑफिस आना चाहता हूं तो मुझे 1 घंटे पहले फ्रेश होना पड़ेगा, ठीक है, 4:30 बजे उठना पड़ेगा। अब देखो टाइम, 4:30 बजे उठना पड़ेगा, और 4:30 बजे सिर्फ उठ के अगर मैं बगैर पढ़े चला आऊं यहाँ पे तो ही ये पॉसिबल है कि 4:30 बजे मैं उठ के चला आऊं। 3:30 बजे उठना पड़ेगा ताकि मैं 1 घंटा पहले पढ़ लूं आप लोगों को, जो कौन जो पढ़ाने वाला हूं। 3:30 बजे से पहले मैं नहीं उठूंगा तब तक काम बनेगा नहीं। तो इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, अपने लिए तो कर नहीं रहा हूं, अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सुबह 6 बजे लाइव होंगे और मेरा साथ देंगे ताकि मैं इतनी ही एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ जितने एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, और ज्यादा एनर्जी लगाऊँ। इसके लिए आपका साथ जरूरी है। आप में से बहुत चलो है, सर हम उठ नहीं पाएंगे, सर ये नहीं हो पाएगा, सर वो नहीं हो पाएगा, तो हमारे साथ, मैं भी तो उस एनर्जी के साथ आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। सूरज, गोलू, जयदीप, गुंजन, नीतू कुमारी, ठीक है, जितने लोग भी बच्चे लाइव है, प्रशांत, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जयदीप आपको आना है सुबह 6 बजे लाइव होना है, ठीक है। फोन ऑन करके कुछ देर इधर उधर हो जाना, गप्पे मार लेना अलग बात है, ठीक है, लेकिन सुबह 6 बजे लाइव होना है, ठीक है, सुबह 6 बजे सोमवार से। अटापाका पक्षी अभयारण्य हो गया, नुसरत परवीन कहाँ गायब रहती हैं आप, ठीक है। अटापाका पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस राज्य में स्थित था, मैंने बताया आंध्र प्रदेश में कुल्लूरी लेक के पास है, यहाँ पर पेलिकन्स माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इतनी सारी चीजें हमने चर्चा कर ली, ठीक है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे बहुत जल्द, वीडियो जूम पर मीटिंग करेंगे, नंबर मैंने दे दिया है। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024, 2024 का नेशनल वैक्सीनेशन डे का क्या थीम था,
ठीक है, नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024 का थीम क्या है? हम तो वैसे भी नहीं सोते भैया, 9 बजे तक आप लोगों का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते रहते हैं और सुबह 4:30 उठोगे, बताओ कितने घंटे हो गए? 10 बजे तक नींद आती है, 10, 2, 12, 4, 6.5 घंटे सोते हैं, ज्यादा नहीं सोते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 विषय का थीम क्या था? ठीक है, थीम बताना है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, आपको राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण डे मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम था वो वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल जो है ये आपका थीम था इस बार के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस 2-3 मिनट और बचा है, 3 मिनट और पढ़ाएंगे, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी, 1.5 घंटे क्लास हो जाएगी हमारी। एक्सरसाइज लैमितीय किन दो देशों के बीच में अभी आयोजित किया गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंडिया और सिंगापुर, बहुत इंडिया और सेसल्स, माफ कीजिए, इंडिया और सेसल्स के बीच में लैमितीय एक्सरसाइज होती है, लैमितीय एक्सरसाइज इंडिया और सेसल्स के बीच में होती है, इतनी बात है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो हम लोग डेली की क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी मैं चाहता तो पूरी लिस्ट बताता, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स पिछले काफी दिनों छूटा हुआ है, इस चक्कर में जो है हम इसको इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त करी है? पीएम श्री का क्या मतलब है? पीएम श्री स्कीम, श्री का क्या मतलब है सब लोगों को पता है, पीएम श्री का राइजिंग फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया। आपको पता है इसके अंतर्गत कितने स्कूल्स को लिया गया? 14,500 स्कूल्स को इसके अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा 14,500 स्कूल को इसके अंतर्गत। अगर बात करें हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस पर समझौता किया है, तो वो है आपकी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए अभी रिसेंटली सहमति व्यक्त करी है। 29 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ये वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज द इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी कैंसर लॉन्च? किस संस्था ने कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो है लॉन्च करी है? किस संस्था ने कैंसर के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च करी है? आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या इंडियन कैंसर सोसाइटी? और आप लोग शेयर करा करो यार, शेयर करो, लाइक करो, इतने बच्चे हो आप लोग, शेयर तो करो, शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ। अगर मेरे साइड से कुछ कमी है तो बताओ, कमेंट में बताओ, सीधे बोल दो कि सर तुमसे ना हो पाएगा, तुम अच्छा नहीं कर रहे, ऐसे करके तुम कमेंट में सीधा बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं इम्प्रूव करने लायक है, यहाँ पे ठीक करने लायक है, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बाकी आपका काम है, आप क्लास प्रमोट करो, अपने दोस्तों से कहो लाइव आए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जो भारत का पहला जीन थेरेपी कैंसर, इंडियन कोई इंस्टीट्यूशन ने भारत का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी स्टार्ट किया है, तो वो है आईआईटी बॉम्बे। अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है अभी रिसेंटली इसके लिए, अभी क्या किया है, ये अभी लॉन्च किया आईआईटी मुंबई में। ध्यान देना, ये कार टी सेल थेरेपी का क्या मतलब होता है? कार टी सेल थेरेपी पर बेस्ड है। कार का मतलब आप हमेशा याद रखना, कार का मतलब हमेशा याद रखना काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार का मतलब होता है। देखो टी सेल, आपके टी क्या होता है, टी आपकी बॉडी में सेल होता है जो कि एक प्रकार का इम्यून सेल है, टी सेल एक प्रकार का इम्यूनिटी से बेस, इम्यूनिटी पर बेस सेल है। तो आपके बॉडी में मान लो कैंसर सेल आ गया, तो टी सेल का काम है उसको खत्म करें, लेकिन जब टी सेल खत्म करने में कमजोर पड़ जाता है तो उसमें कार लगा देते हैं, कार्सेनिक एंटीजन रिसेप्टर लगा देते हैं, टी सेल में कार्सेनिक एंटीजन रिसेप्टर लगा देंगे। अब लैब में लगाएंगे, लैब में लगा के आपके आपके बॉडी से ब्लड निकालेंगे, ब्लड निकाल के टी सेल निकालेंगे, टी सेल निकाल के उसमें से कार लगाएंगे, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर लगाएंगे, फिर आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। अब आपके टी सेल को पता चल गया है कि कैंसर सेल को कैसे मारना है, ये एक प्रकार का चैप्टर है, अध्याय है, लेसन है, ट्रिक है, जिससे टी सेल को सिखाया जाता है जाओ ऐसे करके मारो। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके जाके मारो किसको, कार को।
जाके कैंसर सेल को। तो कार एक प्रकार का तरीका है, गाइडेंस है टी सेल को, जिससे वो क्या करता है कैंसर सेल को मारता है। तो कार टी सेल थेरेपी भारत में कहां स्टार्ट हुई है, ये है आपका आईआईटी बॉम्बे में, और ये भारत का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी है जो कि आईआईटी बॉम्बे में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अच्छा इसी से जुड़ा हुआ दो तीन बात आप देख लो। ठीक है, दो तीन बात अभी आप देख लो। थोड़ा कैंसर के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं। तो याद रखना 2 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर, माफ कीजिए 4 फरवरी को, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। एक बात और आपको पता होना चाहिए, यूपी में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं, सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज, यूपी में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी ने नौ से चौदह साल तक के बच्चियों को, गर्ल्स के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए फ्री वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर के लिए फ्री वैक्सीन लॉन्च किया है अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी ने यह काम किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्यों है सर जी यूपी में सबसे ज्यादा कैंसर क्यों? कैंसर यार देखो एक डिजीज है जो किसी भी वजह से हो सकती है किसी को, बट चूंकि पॉपुलेशन यूपी में सबसे ज्यादा है इसलिए संख्या भी ज्यादा दिखाई दे रही है। सर जी मैं 6 बजे वाली क्लास नहीं ले पाऊंगी बाबू, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, आप 7 बजे जुड़ जाना, और क्या कहें 6 से 7, तो 7 साढ़े 7 बजे क्लास चलेगी, तो 7:30 तक क्लास चलेगी लगभग, तो आप उस टाइम जुड़ जाना, 7 बजे जुड़ना। लेकिन बहुत लोग 5-5 बजे पढ़ाते हैं लोग, बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि 6 बजे क्या मजबूरी है नहीं आ सकते, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 6 बजे आइए, नहीं आ सकते हैं तो रिकॉर्डेड देखिए, रिकॉर्डेड देख के आपको मैंने नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, आप कंपनी के नंबर पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कॉमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो सारे डाउट्स हम वहाँ पर क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें खत्म करें आज की क्लास, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, नुसरत, जयदीप, नीतू, गोली, गोलू, गुंजन, जनार्दन, प्रशांत, सूरज, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया आज की क्लास के लिए। अब अगली क्लास मंडे को होगी सुबह 6 बजे। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछो, जो मैंने नंबर दे दिया है उस नंबर पर आप क्या करना, एक पिंग कर देना, हाई करके मैसेज कर देना, अपना नाम लिख देना, जो नाम यहाँ पे दिखता है। ठीक है, उस नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं एक जूम की एक जबरदस्त सेशन आप लोग के लिए आयोजित करवाता हूँ। ठीक है, जिसमें आप भी बोलो मैं भी सुनूं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, चाइन, ख्याल रखिए।